महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से बीजेपी उनकी सरकार के कार्यकाल को लेकर भविष्यवाणी करती आई है और महाविकास अघाड़ी सरकार उसका जवाब भी देती आई है। लेकिन अब उद्धव की कुर्सी पर काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह कोई राजनीतिक दावपेच नहीं है बल्कि मौजूदा स्वास्थ्य हालात है, जिसके चलते पूरी कैबिनेट को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। देश के स्वास्थ्य हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हाल बेहाल है, जहां प्रभावित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और राज्य के स्वास्थ्य हालात के साथ ही राजनीतिक हालात भी सही नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, मौजूदा परेशानी से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस समय एक और बड़ी मुसीबत में है। इस बार उनकी कुर्सी पचड़े में पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी वजह कोई राजनीतिक दावपेच नहीं है बल्कि स्वास्थ्य हालात है। दरअसल संवैधानिक नियम के अनुसार मुख्यमंत्री या मंत्री को राज्य के विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद का सदस्य भी सीएम और मंत्री बन सकते हैं। अगर कोई सदस्य इन दोनों सदनों में से किसी एक की भी सदस्यता के बगैर मंत्रिमंडल में शामिल होता है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से 28 मई को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इससे पहले उनको दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उन्हें त्याग पत्र देना होगा और मुख्यमंत्री के पद छोड़ने का मतलब पूरी कैबिनेट का त्याग पत्र माना जाता है। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही थी और उन्हीं में से किसी एक से उद्धव ठाकरे को चुनकर आना था, लेकिन स्वास्थ्य परेशानी की रोकथाम के लिए लागू की गई पूर्णबंदी की वजह से चुनाव आयोग ने इलेक्शन को टाल दिया है। विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे से 2 सीटें खाली हैं, इन पर उद्धव ठाकरे का नाम भेजा गया है, लेकिन अब ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इस पर मंजूरी देते हैं या नहीं। ऐसे में एक रास्ता ये भी है कि उद्धव ठाकरे त्याग पत्र दें और दोबारा शपथ लें, जिससे फिर उन्हें 6 महीने तक सरकार चलाने का समय मिल जाएगा। ऐसे में उद्धव अब कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।